नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी बेसन का शाही हलवा। सूजी का शाही हलवा बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप सूजी, 1/4 कप बेसन, 1/4 कप चीनी। हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच दूध लिया है और 1 चम्मच मलाई। इसको इसी में डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप किशमिश, 1/4 कप कटे हुए काजू, 1/4 कप बादाम लंबाई में कटे हुए, 1 टेबल स्पून नारियल का बूरा, 1 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर और 3/4 कप घी। सबसे पहले हमने गैस पे एक पैन रखा है, उसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। एक, दो, तीन। गैस ऑन कर देंगे और पानी को उबलने देंगे। पानी बॉयल हो रहा है, अब इसमें हम चीनी को मिला देंगे। हमने जितनी क्वांटिटी सूजी और बेसन को मिला कर ली है, उतनी ही क्वांटिटी हमने यहाँ पे चीनी की रखी है। चीनी को मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे और हम इसे पिघलने तक चलाएंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे। चीनी पिघल गई है, अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। इसको हम ढककर इसे पकने देंगे। दूसरी तरफ हम पैन रखेंगे। पैन में हम घी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। घी को गर्म होने देंगे और हम इसमें डालेंगे सूजी और बेसन। दोनों को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। हम इसे तब तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और सूजी से खुशबू ना आने लगे। सूजी को हमें बराबर चलाते हुए भूनना है। आप देख रहे हैं कि सूजी का कलर चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। इतनी सूजी भूनने में हमें कम से कम 17 से 18 मिनट का समय लग गया। अब इसमें हम डाल देंगे कटे बादाम और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। और इधर हम जो हमने ये पानी का चीनी का घोल तैयार कर रहे थे, इसमें हम डाल देंगे ये किशमिश और इसको हम हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। इधर सूजी को बराबर चलाते रहेंगे। इधर 5 मिनट हो गए हैं, अब हम धीरे धीरे चीनी के घोल को इस पे डालते जाएंगे। बहुत ही सावधानी से डालना है क्योंकि इस पे भाप बराबर निकल रही है। थोड़ा थोड़ा करके हम इस पे चीनी के घोल को मिलाएंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे अभी। तो इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि सारा पानी सूख ना जाए। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच दूध मिला देंगे। पानी देखिए बिल्कुल सूख गया है। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे कटे हुए काजू, छोटी इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर हम सबसे लास्ट में से डालते हैं जिससे कि इसकी खुशबू
मीठे में अच्छे से आ जाए। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के ढक के रख देंगे। सूजी बेसन का शाही हलवा बनके तैयार है। इसे आप किसी भी अवसर पर बनाइए, खाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।